कैसी लगी पिक्चर? अच्छी थी। एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी। संजय दत्त की थी। संजय दत्त के बारे में क्या मालूम पड़ा पिक्चर? अच्छी बताया, अच्छा बताया सर। कितना स्टार था? 4-5। अच्छी स्टार चार। कैसी लगी? सुपर हिट। चल एक नंबर। सुपर हिट। अच्छा लगा पिक्चर? संजय दत्त एक नंबर एक्टिंग किया। अच्छी है पिक्चर में संजय दत्त का। रणबीर कपूर की एक्टिंग कैसी? उसकी भी अच्छी है। और हीरोइंस की? हीरोइन भी अच्छी। कौन सी अच्छी लगी? दोनों अच्छी हीरोइन दोनों। अनुष्का शर्मा एक। आज 200 करोड़ का बिजनेस हो गया संजू का, तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? बाकी तो मूवी तो अच्छी है, अपनी जगह पे एक नंबर बनाया। मतलब जैसा उसने दिखाया पहले कि बोला से ये वो लेवल से तो अच्छा बनाया। मतलब पिक्चर से क्या सीखने मिला आपको? मतलब उसको बोले ना कि मतलब विलेन वो बनाए कि 5 में से कितना स्टार? 5 में पूरा। कैसी लगी पिक्चर आपको? अच्छी। क्या अच्छा लगा आपको पिक्चर में? कैसी लगी भाई पिक्चर? भाई एकदम सुपर हिट थी पिक्चर में। आपको क्या अच्छा लगा? एक तो रणबीर कपूर ने जो रोल किया वो तो एकदम फर्स्ट क्लास रोल था उनका। हाँ कुछ बोलते जो दिल को टच हो गया रहेगा वैसा कोई सीन? हाँ वो तो है। सुनील दत्त ने जो उनको जो सिखाया मतलब वो तो बहुत अच्छा ही लगा। मूवी देखने के बाद आपको क्या ऐसा सीखने के लिए मिला? वो तो एक मिल गया मतलब कि एक बाप अपने बेटे के लिए मतलब क्या कर सकता है वो तो मुझे। मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस किया वो तो करना ही था भाई। उसके बारे में आप क्या बोलते? वो तो करना ही था भाई। 5 में से कितना स्टार दोगे? 5 में से 5 दे देगा और क्या। पिक्चर कैसी लगी? कौन सी? संजू। अच्छी लगी। संजू ही देख के आए ना? हाँ। क्या अच्छा लगा पिक्चर में? पिक्चर अच्छी इसलिए लगी उसमें जो दिखाया वो अच्छा लगा। मतलब सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा जिंदगी से कैसा लड़के वो आगे बढ़ा है और कैसे। आँख में आंसू आए तुम्हारे? आए ना। कौन से सीन पे? सीन क्या बताएंगे अभी, सीन यही बाप का उनका सीन और कौन सा है बहुत से ऐसे। देखने के बाद संजय दत्त के बारे में आपको क्या पता चला? पता चला अच्छा इंसान है और कैसा है। और संजय दत्त की लाइफ खराब करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? वो जो बिल्डर बना है उसमें कौन? क्या वो क्या नाम उसका? अपना नाम याद नहीं है उसका, तो थोड़ा ही से रोल है। कोकिन पीले खिलाता है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ। 5 में से कितना स्टार दोगे? आपको तो 5 पूरा देंगे। और मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस किया है, 200 करोड़ की कमाई की है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते? अच्छा है, हम उसके फैन हैं बहुत बड़े। बस संजू मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ भाई। कितनी बार मूवी देख रहे हो? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आया क्योंकि आज मेरे को टाइम मिला इसलिए। मतलब कुछ रीज़न होगा जो आप जिसकी वजह से आप मूवी देख? संजय दत्त की वजह से, बाबा की वजह से और किसके। कितनी बार देख रहे हो? बस सर अभी पहली मरतबा ही जा रहे हैं। मैं तो पहली बार देखने जा रहा हूँ लेकिन सब बोलते हैं बहुत अच्छे पिक्चर है इसलिए बहुत अच्छा लगा इसलिए हम भी आ रहे हैं, हमारे पापा भी साथ में है। मैं बोला हम भी जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। बहुत अच्छा पिक्चर है। हाँ। ये रणवीर जी ने बनाया है ना ये पिक्चर। हाँ। बहुत अच्छा है संजय जी के ऊपर। हाँ। अरे बहुत अच्छा पिक्चर है, रणवीर जी ने बनाया, पूरा संजय दत्त लग रहा है, हमें तो लग रहा है संजय दत्त पार्ट टू है। कितनी बार जा रहे हैं? हम ये पहली बार जा रहे हैं, इसका टाइटल देख के ऐसा लगा कि देखने लायक पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर है। हमने तो काफी सुना है इसके लिए देखने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। मूवी से क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट यही कि उन्होंने कैसा संघर्ष किया, उनके उसका उनके बारे में पूरा मालूमात मतलब दिखाया जाएगा, वो हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। मैं दूसरी बार देखने जा रहा हूँ पिक्चर, बहुत अच्छा लगा है, राजकुमार हिरानी जी ने बनाया हुआ है, बहुत लायक है। और संजू बाबा के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, बहुत अच्छा पिक्चर है। कुछ समझ नहीं आया पहली बार कि ये है क्या, अब दूसरी बार जा रहा हूँ कि मुझे पता चलना लगे कि है क्या संजू बाबा के बारे में पता क्या। भी नहीं समझ आया तो तीसरी बार देखेंगे, देखते रहेंगे, बहुत अच्छा पिक्चर है। थैंक यू राजकुमार हिरानी जी। अच्छी है पिक्चर, बहुत बड़ा फैन में हूँ मैं पहले से ही, अब लुक भी करता था, रोने आया, रो के बाहर निकल रहा हूँ। बहुत अच्छी उसके कहानी के ऊपर, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी। मूवी में बेस्ट सीन आपको क्या लगा? बेस्ट सीन थोड़ा जेल का भी अच्छा लगा, और जो छूटता है वो लुक उनका वही है, वही अच्छा लगा। अगर आपके सामने संजय दत्त आ जाए तो मिल सकता हो? कभी देखा नहीं, टाइम नहीं मिलता, पहला बहुत लुक किया हूँ मैं, अभी नहीं करता हूँ। तो उनको किस मतलब उनके कौन सी आपको ऐसी खासियत लगी जिसकी वजह से आप उनके फैन बन गए?
उनके काशत पहले थे, बड़े बड़े बाल थे और पिक्चर अच्छे थे, लुक अच्छा था, इसके वजह से इतना ही है। मूवी में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा सीन था जिसके जिसको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आए? कौन सा सीन था बोले तो जो बाप बोलता है तेरा बाप बिस्तरा लेके नहीं सोया है, तू बिस्तरा नहीं लेके सोया है, तो वो पंखा नहीं लगा के सोया है, तू नहीं लगा के सोया है, तो उसके लिए तेरा बाप किधर किधर ठोकरे खा रहा है, वो मंत्री के पास तू उसको ऐसा बोल रहे, तो उसके बाद में चले जाते वो लोग। ये मूवी ने, संजू मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस किया है। ओके तो उसके बारे में आप क्या बोलो? बहुत अच्छी पिक्चर है, इसलिए किया होगा कि तभी पॉड नहीं है, उसकी कहानी के बदले बहुत अच्छी है पिक्चर। उनका नाम है संजय दत्त है, कि बाप का नाम है, उनका नाम है। संजय दत्त को क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ उनके लिए मैसेज? क्या मैसेज है उनके लिए? अच्छा ही है मैसेज, अच्छा रहो, लाइफ टाइम अच्छा रहो, दोनों दुआ है हमारी, हम फैन हैं उनके, और यही बोल सकता हूँ। 5 में से कितना स्टार दोगे? हाँ, 5 में से कितना स्टार दोगे? वो क्या कैसा बोले तो, 5 में से कितना स्टार दोगे पिक्चर को? ये पिक्चर को बहुत दे सकते हैं हम, 5 में से हम 5 ही दे सकते हैं, बहुत भारी है पिक्चर। ये कितनी बार आप देख रहे हो? अभी पहली बार जा रहा हूँ देखने के लिए, अभी जा रहा हूँ पहली बार, तो बाद में अभी देखेगा तो मालूम भी रहेगा अच्छी है क्या बात। पिक्चर देखने का रीज़न क्या है? रीज़न मतलब देखेंगे, अच्छा रहेगा तो देखेंगे, बार बार अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं देखेंगे। मतलब अभी आप किससे सुने ये मूवी अच्छा है नहीं है? वो हमारे लोग बोल रहे थे अच्छी मूवी है, जाके देखो, इसलिए मैं आ गया देखने के लिए। और संजय दत्त के बारे में क्या बोलोगे? संजय दत्त अच्छा आदमी है, वो इसको एक दिन मिलना चाहिए, तो मिलता नहीं है। तुमसे मिलना चाहिए? वो बंगले पे भी गया था, बंगले पे गया था उसके, तो बंगले पे बोला वॉचमैन जाने नहीं दिया अंदर। तो आप बोले नहीं मैं संजू मूवी देखने जाके आया? वही तो बोला था उसको, कल ही जाके आया मैं उधर, तो बोला आ जा 2 दिन के बाद में मिलाता हूँ मूवी देख के। हाँ, तो मैं संजय दत्त को कुछ बोलना चाहोगे? संजय दत्त को नमस्कार है बस, वो एक बार मिल चाहिए, मैं एक बार मिला मेरे को बस हो गया।